नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आपको मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 66वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। 2024 के 66वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस के सामने केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल और देवदत्त पंडगल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन मुंबई की तेज गेंदबाजी ने लखनऊ की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और पारी का पहला ही ओवर डालने आए नुआन तुषार ने देवदत्त पंडगल को उनकी पहली ही गेंद पर LBW आउट कर दिया। देवदत्त पंडगल बिना खाता खोले ही आउट हो गए। देवदत्त पंडगल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब लखनऊ की टीम की तरफ से मार्कस स्टोइनिस मैदान में उतरे और फिर यहां से मार्कस स्टोइनिस और कप्तान केएल राहुल ने मिलकर लखनऊ की पारी को संभाल लिया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। खास करके मार्कस स्टोइनिस इस मुकाबले में धमाकेदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी पर आए अंशुल कंबोज के एक ही ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने लगातार 3 चौके लगा दिए थे, तो वहीं दूसरी छोर पर बल्लेबाजी कर रहे लखनऊ के कप्तान केएल राहुल भी उनका साथ बाखूबी निभा रहे थे। पारी के छठे ओवर में गेंदबाजी पर आए पीयूष चावला को कप्तान केएल राहुल ने 2 छक्का लगा दिए, लेकिन पीयूष चावला ने अपने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सेट हो चुके मार्कस स्टोइनिस को LBW आउट कर दिया। मार्कस स्टोइनिस 22 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हो गए। पीयूष चावला ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर लखनऊ की इस खतरनाक साझेदारी को अब तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए दीपक हुड्डा मैदान में उतरे थे और फिर सेट हो चुके कप्तान केएल राहुल के साथ मिलकर दीपक हुड्डा ने लखनऊ की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी पर बुलाए गए पीयूष चावला ने दीपक हुड्डा को भी निहाल बडेरा के हाथों कैच आउट कर दिया। दीपक हुड्डा 9 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। पीयूष चावला की कमाल की गेंदबाजी ने यह मुकाबला अब पूरी तरह बदल दिया था। दबाव लखनऊ की बल्लेबाजी पर था। बल्लेबाजी के लिए निकोलस पूरन मैदान में उतरे और फिर यहाँ से कप्तान केएल राहुल के साथ मिलकर निकोलस पूरन ने लखनऊ के डगमगाती पारी को संभाल लिया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। मुंबई की खतरनाक गेंदबाजी के सामने लखनऊ के या दोनों ही खिलाड़ी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। खास करके नए बल्लेबाज निकोलस पूरन ने आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अंशुल कंबोज को निकोलस पूरन ने 2 चौके और 2 शानदार छक्के लगा दिए थे, तो वहीं उसके अगले ही ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी पर भी निकोलस पूरन के बल्ले से 2 गजब के छक्के देखने को मिले थे। देखते ही देखते कप्तान केएल राहुल और निकोलस पूरन के बीच 50 रनों की तूफानी साझेदारी पूरी हो गई। निकोलस पूरन की यह बल्लेबाजी देखकर सभी हैरान थे। अब मुंबई की गेंदबाजी दबाव में थी। कोई भी मुंबई का गेंदबाज केएल राहुल और निकोलस पूरन की साझेदारी को रोक नहीं पा रहा था और फिर पारी के 15वें ओवर में 1 चौका और 3 शानदार छक्का लगाते हुए निकोलस पूरन ने अपना इस मुकाबले का केवल 19 गेंदों में तूफानी 68 पूरा कर लिया। निकोलस पूरन की यह लाजवाब बल्लेबाजी देखकर मुंबई का हर एक गेंदबाज दबाव में था, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे कप्तान केएल राहुल ने भी अपने इस मुकाबले में महत्वपूर्ण रन पूरे कर लिए। दोनों की साझेदारी ने अब मुंबई के हर एक गेंदबाज को बैकफुट पर ढकेल दिया था, तो वहीं कप्तान केएल राहुल और निकोलस पूरन के बीच 100 रनों की एक ऐतिहासिक साझेदारी भी बन चुकी थी। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए नुआन तुषार ने मुंबई की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके निकोलस पूरन को सूर्यकुमार यादव के हाथों कैच आउट कर दिया।
निकोलस पूरन 29 गेंदों में 75 रनों की अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। नुवान तुसान ने लखनऊ की टीम का एक सबसे बड़ा विकेट मुंबई की टीम को एक महत्वपूर्ण मौके पर दिला दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए अरशाद खान को भेजा गया, लेकिन अरशाद खान को उनकी पहली ही गेंद पर नुवान तुसान ने निहाल बडेरा के हाथों कैच आउट कर दिया। अरशाद खान इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए। नुवान तुसार का यह ओवर मुंबई की टीम के लिए थोड़ी खुशी लेकर आया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए आयुष बदोली मैदान में उतरे थे। लेकिन उसके अगली ओवर में की पहली गेंद पर पीयूष चावला ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके लखनऊ के कप्तान केएल राहुल को नुवान तुसार के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान केएल राहुल इस मुकाबले में 41 गेंदों में 55 रनों की कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गए। मुंबई की टीम को अब 3 लगातार लखनऊ के बड़े विकेट मिल चुके थे। मुंबई की गेंदबाजी ने अब इस मुकाबले में वापसी कर ली थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए कुणाल पांड्या मैदान में उतरे और कुणाल पांड्या ने आते ही शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। और फिर इस पारी के अंतिम ओवर में आयुष बदोली ने गजब की बल्लेबाजी करते हुए इस आखिरी ओवर में एक चौका और दो शानदार छक्का लगा दिए। और फिर इसी के साथ लखनऊ की टीम ने 214 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य मुंबई की टीम के आगे रखा। उसके बाद लखनऊ से मिले 215 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने मुंबई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रोहित शर्मा और उनके साथ बल्लेबाजी के लिए उतरे डीबोल्ड ब्रेविस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और मुंबई की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। खास करके रोहित शर्मा ने आते ही दूसरी ही ओवर में दो गजब के छक्के लगा दिए थे, तो वहीं दूसरे छोर से डीबोल्ड ब्रेविस भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। शुरुआत से ही लखनऊ की गेंदबाजी को मुंबई की इस ओपनिंग जोड़ी ने दबाव में रखा था। रोहित शर्मा का इस तरह बल्लेबाजी करना कप्तान केएल राहुल के लिए एक सबसे बड़ा खतरा था। और फिर इसी बीच रोहित शर्मा और डीबोल्ड ब्रेविस की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। मुंबई की यह ओपनिंग जोड़ी रुकने का तैयार ही नहीं थी। और फिर तभी पारी के सातवें ओवर में गेंदबाजी पर आए मोहसिन खान की एक ही ओवर में रोहित शर्मा ने दो चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए अपना इस मुकाबले का अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा की इस खतरनाक बल्लेबाजी को कोई भी लखनऊ का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। दबाव पूरी तरह लखनऊ की गेंदबाजी पर था। रोहित शर्मा और डीबोल्ड ब्रेविस की साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। अब दोनों ने मिलकर मुंबई की टीम को 88 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए नवीन उल हक से नेसेट हो चुके डी ब्रेविस को कुणाल पांड्या के हाथों कैच आउट कर दिया। डीबोल्ड ब्रेविस 20 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए। अब बेहतरीन फॉर्म में चल रहे सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन इस बार सूर्यकुमार यादव नहीं चल पाए और कुणाल पांड्या ने सूर्यकुमार यादव को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्यकुमार यादव बिना खाता खोले ही आउट हो गए। मुंबई की टीम ने लगातार अपने दो बड़े बल्लेबाज को अब खो दिया था। लखनऊ की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए ईशान किशन को भेजा गया था, लेकिन तभी दूसरे छोर पर लखनऊ की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके रोहित शर्मा को रवि बिश्नोई ने मोहसिन खान के हाथों कैच आउट कर दिया। रोहित शर्मा 38 गेंदों में 68 रनों की लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। अब मुंबई की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। बेहतरीन शुरुआत के बाद अब मुंबई की टीम ने अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। अब मुंबई के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के लिए उतरे और कप्तान हार्दिक पांड्या ने आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर गेंदबाजी पर आए मोहसिन खान ने हार्दिक पांड्या को नवीन उल हक के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान हार्दिक पांड्या 13 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी के लिए आए निहाल बडेरा को रवि बिश्नोई ने कुणाल पांड्या के हाथों कैच आउट करके मुंबई की बल्लेबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया। निहाल बडेरा 3 गेंद में एक रन बनाकर आउट हो गए। अब मुंबई की आधी टीम आउट हो चुकी थी। मुंबई ने अपने इस अंतिम मुकाबले में भी अपनी बल्लेबाजी में प्रदर्शन से सभी को निराश कर दिया था। अब नमन धीर मैदान में उतरे थे और नमन धीर ने आते ही दो
गजब के चौके लगा दिए थे, लेकिन अब रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव मुंबई की टीम के ऊपर बहुत ही बढ़ चुका था, क्योंकि अब आखिरी चार ओवर में मुंबई को जीत के लिए 80 रन चाहिए थे। अब हर एक ओवर में मुंबई की टीम को लगभग 20 रन जीत के लिए चाहिए थे। अब इस पारी का 17 ओवर कुणाल पांड्या डालने आया और कुणाल पांड्या की इस ओवर में नमन धीर ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था और ये 17वें ओवर में मुंबई को 14 रन मिल गए थे। अब मुंबई को जीत के लिए 3 ओवर में 66 रनों की ज़रूरत थी। अब यहाँ से मुंबई की टीम को कोई चमत्कार ही जिता सकता था। अब इस पारी का 18वां ओवर डालने आए नबीन उल हक और नबीन उल हक की इस ओवर में नमन धीर और ईशान किशन ने मिलकर फिर एक बार 14 रन बना लिए। अब आखिरी दो ओवर में मुंबई को जीत के लिए 52 रन चाहिए थे। अब इस पारी का 19वां ओवर मोहसिन खान डालने आए थे और मोहसिन खान के इस ओवर में नमन धीर ने फिर एक बार अपने बल्ले से दो गजब के छक्के लगा दिए और इस ओवर में मुंबई को 18 रन मिल गए। अब आखिरी 6 गेंदों में मुंबई को 24 रन चाहिए थे। अब इस पारी का अंतिम ओवर नबीन उल हक डालने आए और नबीन उल हक की इस ओवर की पहली गिरी गेंद पर नमन धीर ने एक शानदार छक्का लगा दिया और अपनी तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब आखिरी 5 गेंद में मुंबई को 28 रन चाहिए थे। मुकाबला अभी भी मुंबई के लिए ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन उसकी अगली गेंद पर भी नमन धीर ने एक शानदार शॉट खेला, लेकिन कुणाल पांड्या ने अपनी गजब की फील्डिंग से अपनी टीम के लिए 5 रन बचा लिए। अब 4 गेंद में मुंबई को 27 रन चाहिए थे। मुकाबला पूरी तरह ख़त्म हो चुका था, तो वहीं उसकी अगली गेंद पर ईशान किशन क्लीन बोल्ड हो गए। ईशान किशन इस मुकाबले में 15 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए और फिर अंत में नमन धीर एक छोर पर 28 गेंद में 62 रनों की शानदार पारी खेलकर नाबाद रह गए। लेकिन इसके बावजूद लखनऊ की गजब की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में 18 रनों से जीत हासिल कर ली। दोस्तों, मुंबई की बल्लेबाजी ने इस अपने अंत के मुकाबले में भी अपने सभी फैंस को निराश कर दिया और पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर अपना यह टूर्नामेंट ख़त्म कर दिया। लेकिन दोस्तों, बात करें लखनऊ की टीम को, तो लखनऊ ने इस मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी के साथ साथ अपनी गेंदबाजी में भी सभी का दिल जीत लिया। लेकिन लखनऊ के इस महामुकाबले में जीत के असली हीरो रहे उनके तूफानी बल्लेबाज निकोलस पूरन, जिन्होंने इस मुकाबले में अपने बल्लेबाजी से एक शानदार पारी खेलकर दिखाई। निकोलस पूरन ने इस मुकाबले में 29 गेंदों में 5 चौके और 8 गजब के छक्के की मदद से 75 रनों की तूफानी पारी खेली और इसी के चलते लखनऊ और मुंबई को हरा पाई। और तो दोस्तों, आपको निकोलस पूरन की या गजब की बल्लेबाजी कैसी लगी और आप उनकी इस अद्भुत पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहोगे, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।